स्तरीय पंचायत चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज है और इसी बीच हम कठा उत्तरी हाल एट के जिला परिषद सदस्य पद उम्मीदवार अपराजिता जी से मुलाकात हुई है और उनसे हम जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ अपने क्षेत्र के विकास के लिए करेंगी जब वो चुनाव जीत के आएंगी और क्या अपेक्षाएँ रखें वो जानकारी। सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं कि कौन है और क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों का ये खबर जानते बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोग आपसे दिया है। मेरा नाम अपराजिता चौधरी है और मैं कठा उत्तरी महाराष्ट्र जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा रही हूँ। जी, सबसे पहले ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आप किस मुद्दे और मकसद के तहत ये चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिला परिषद सदस्य के रूप में जब नामांकन करवाने में गई तो उस समय मुझसे पूछा गया कि आप क्यों आना चाहती हैं। तो मैं इसलिए आना चाहती हूँ कि क्षेत्र का जो विकास है वो एकदम 0/0 है, तो उसको जो भी काम अभी हो रहा है वो पेपरबाजी हो रहा है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है, तो उस सब काम जो है वो हम जमीनी स्तर पर लाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा आपके क्षेत्र के लिए क्या है? मैं अभी जब अपना गांव विजिट कर रही हूँ, मेरे 9 पंचायत पड़ते हैं, तो सबसे पहले सबसे एकदम अहम मुद्दा अभी मेरे पास आ रहा है वो है कि जब हर पंचायत में एक स्वास्थ्य जो रेगुलर वो अभी सबसे ज़रूरी है हमारे हर एक पंचायत में, क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं तो सबसे में से यही सुनना पड़ता है कि जब 2 या 3 बजे रात को जब कोई महिलाएँ का प्रसव वगैरह जो होता है तो 2-3 बजे रात से हम लोग को आज़ादी का कैसे लिया जाना पड़ता है, क्योंकि कितना कठिनाइयाँ रहना हमारे यहाँ। तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि अगर मैं जनता मुझे चाहती है तो सबसे अहम मुद्दा मुझे लिए यही होगा कि हर पंचायत में प्रसव होना। आपके क्षेत्र में जितने भी गांव पंचायत हैं तो इसमें मैं पहले पूछना चाहता हूँ कि जो पिछली जाति के जो अनुसूचित जनजाति के हैं उनकी क्या अभी स्थिति? देखिए, पिछली जाति के लोगों को तो शुरू से तो दबाया जा रहा है, वो तो विस्तृत हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सोचा। अभी भी हम जब विजिट कर रहे हैं तो अभी भी कुछ खास फर्क नहीं आया है, अभी भी शोषण किया जाता है लोगों को, मतलब उनका अलग रूप से उसको देखा जाता है। ये नहीं कि देखिए पिछड़ी जाति को लोगों को तो शुरू से तो दबाया जा रहा है, वो तो विस्तृत हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सोचा। अभी भी हम जब विजिट कर रहे हैं तो अभी भी कुछ खास फर्क नहीं आया है, अभी भी शोषण किया जाता है लोगों को, मतलब उनका अलग रूप से उसको देखा जाता है। ये नहीं कि अब तो जाति भेद कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अभी बहुत देखिए विकास के लिए यही है कि हम हर एक पंचायत में सबसे पहले अगर मुझे जनता साथी का कोई भी जो काम होगा हम हर एक पंचायत में सबसे पहले आम सभा करेंगे, कौन कास्ट है कौन जाति है उससे हमको नहीं करेंगे, सबसे पहले हम आम सभा करवाएंगे और उसके बाद सब लोगों का डिसीजन जो होगा वही हम करेंगे। आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था तो दमादम एकदम, क्योंकि सरकारी स्कूल है जिसमें पढ़े लिखे लेकिन बच्चे नहीं पढ़ रहे, वही आप देखिए कि प्राइवेट स्कूल अगर खोल दिया जाए टीचर इंटर पास है 3,000 उनको मंथ मिल रहा है फिर भी बच्चे वहाँ भीड़ हैं, लेकिन वही सरकारी स्कूल में पी जी टी करके टीचर आए हुए हैं 70-75,000 पेमेंट उठा रहे हैं, बच्चा जाके देखिए सरकारी स्कूल में क्या स्थिति है। तो ये सब तो मुद्दा है, हम ये नहीं कह रहे कि हम अकेले ठीक करेंगे, सभी को मिल के करना होगा, मेरे से अकेले नहीं होगा, सारी जनता को मिल के ये काम करना होगा तभी शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो सकती है। शिक्षा के अपने आप बोले कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जनता अगर चाहेगी तो हर चीज़ हर क्षेत्र में विकास करेगी, तो अगर जनता सब लोग मिल के अगर ये स्थिति पे सुधार किया जाए, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो अगर स्ट्रिक्ट होगा तो सुधार अपने आप होगा। अंत में एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी को मौका मिलना चाहिए और जो भी है
अपना विकास को देखें कि अगला आने वाले टाइम में आप अंधेरे में ना रहिए। अगर काम को लाना चाहते हैं, जमीनी स्तर पर उतारना चाहते हैं, तो फिर एक एजुकेटेड लोग को आने दीजिए। दारू मुर्गा पैसा नहीं मत दीजिए, हम यही बोल रहे हैं। और अपने स्तर से क्या करेंगे? अपने स्तर से यही कहेंगे कि अगर हम जनता मुझे देश में जनता मुझे कहेगी अगर लाना, तो मैं हर समय हर पल उनके साथ रहूँगी। और किसी भी समय मैं लोकल में ही रहूँगी, ये नहीं कि मैं हजारीबाग में रहूँगी, फ़ोटो खिंचवाऊँगी और मेरा सोशल मीडिया पे वायरल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे यहाँ सबसे ज़रूरी काम होता है, ज़रूरत होता है ब्लॉक। अगर ये स्थिति पर सुधार किया जाए, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो अगर स्ट्रिक्ट होगा तो सुधार अपने आप होंगे। अंत में एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी को मौका मिलना चाहिए, और जो भी है अपना विकास को देखिए कि अगला आने वाले टाइम में आप अंधेरे में ना रहिए। अगर काम को लाना चाहते हैं, जमीनी स्तर पर उतारना चाहते हैं, तो फिर एक एजुकेटेड लोग को आने दीजिए। दारू मुर्गा पैसा नहीं मत दीजिए, हम यही बोल रहे हैं। और अपने स्तर से क्या करेंगे? अपने स्तर से यही कहेंगे कि अगर हम जनता मुझे देश में जनता मुझे कहेगी अगर लाना, तो मैं हर समय हर पल उनके साथ रहूँगी। और किसी भी समय मैं लोकल में ही रहूँगी, ये नहीं कि मैं हजारीबाग में रहूँगी, फ़ोटो खिंचवाऊँगी और मेरा सोशल मीडिया पे वायरल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे यहाँ सबसे ज़रूरी काम होता है, ज़रूरत होता है ब्लॉक में, ब्लॉक में हॉस्पिटल में जो हमारे बरकट्ठा नजदीकी केंद्र है वहाँ पे हम लोग का अभी सबसे ज़रूरी काम है, क्योंकि हमारे लोग हमारे क्षेत्र के लोग हजारीबाग तो बहुत सीरियसली जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी काम है यहाँ पर। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह फर्स्ट में है, एसी खास एयर कंडीशनर है, फर्स्ट में है। क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी बहन बेटी जो भी हूँ, एक बार मुझे मौका दीजिए और मुझे वोट दीजिए एयर कंडीशनर साथ। तो ये थी बरकट्ठा उद्योग आठ से अपराजिता चौधरी, जो अपने क्षेत्र के जनता को विश्वास दिला रही है कि आप एक बार मुझे मौका दें, मैं आपको हर संभव प्रयास करूंगी कि विकास लाने का, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे। तो आज की कड़ी में इतना ही, फिर आगे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।